नमस्कार, मैं महेंद्र वैष्णव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारे चैनल में जीएस का पहला वीडियो है और हमारा जीएस का जो पहला टॉपिक है वो है भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो मैं बहुत अच्छी ट्रिक से आप सभी को पूरे राज्यों के नाम और उनकी राजधानी याद करने वाला हूं। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आपने अगर गवर्नमेंट एग्जाम दिया है कोई भी तो आपको पता होगा एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, एक दो क्वेश्चन राज्य और राजधानी की ओर से आता ही है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप इन फ्यूचर राज्य और राजधानी कभी भूलोगे नहीं। इसको बहुत अच्छे ट्रिक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये जो लिस्ट है वो अपडेटेड लिस्ट है, 2020 के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए अभी चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की ओर, आपको मैं ये याद कराता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप की ओर। तो चलिए चलते हैं अभी मेरे डेस्कटॉप में और याद करते हैं इंडिया के सभी स्टेट और उनकी कैपिटल। तो पहला आपका राज्य है राजस्थान और उसकी जो राजधानी है जयपुर। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता है पुराने जमाने में जब राजा होते थे तो राजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो जब वो युद्ध में जीत जाते थे तो उनकी क्या होती थी, जय जयकार होती थी। तो आपको राजा से याद रखना है राजस्थान और जय जयकार से याद रखना है जयपुर, जिसको जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान जो हमारा है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से। फिर सेकंड जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो अब आपको इसको कैसे याद रखना है कि स्टार्टिंग में आपको तीन वर्ड ही पढ़ना है, एम ए एच महा, इसको बोलना है आपको माही। माही जो है मुंबई में रहता है तो आप माही से आपको महाराष्ट्र याद आएगा, मुंबई से मुंबई याद आएगा। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है और मुंबई जो है हमारे कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल भी मानी जाती है। फिर गुजरात, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, तो आपको है ना दोनों का पहला वर्ड याद रखना है जीजी। आप अपनी बड़ी बहन को क्या बोलते हो, जीजी ना, तो जीजी याद रखना है। तो जी फॉर गुजरात आ जाएगा और जी फॉर गांधीनगर याद आएगा। फिर अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। तो उत्तर इसको कैसे याद रखना है, एक व्यक्ति था जिसने दूसरे व्यक्ति को बोला कि अगर आप उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो आपका लक काम करेगा, आपका लक आपका साथ देगा। तो उत्तर दिशा की से हो गया उत्तर प्रदेश और लक से हो गया लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। तो आप इसको कैसे याद रखना है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, कोई छोटा बच्चा है उसको भोपू चाहिए, तो जो भोपू वाला है वो गांव के मध्य में बैठता है। तो मध्य से याद आ गया आपका मध्य प्रदेश और भोपू से याद आ गया भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। फिर अगला जो राज्य है वो है बिहार, बिहार की राजधानी पटना। तो अब इसको कैसे याद रखना है, जो बिहार के जो लोग होते हैं ना वो बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं। अगर आप आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप उसको बातों से आप बातों बोलोगे अच्छी अच्छी तो वो जल्दी पटेगा नहीं। तो बिहार से आपको बिहारी अगर कोई रहेगा तो अपनी बातों से जल्दी पटेगा नहीं। तो बिहारी से बिहार याद रखना है और पटना से पटना याद रखना है। तो बिहार की राजधानी जो है हमारी पटना हो जाएगी। फिर आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। तो इसको कैसे याद रखना है, तो आंध्र प्रदेश में आपको जो है आंध्र याद करना है, आंध्र मतलब अंधेरा, अंधेरे में किसी ने जाके अमृत पी लिया। तो आंध्र प्रदेश में आंध्र से अंधेरे से आपका आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा और अमृत से जो है आपका अमरावती हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती। फिर अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। तो इसको कैसे याद रखना है, तो सिंपल सी टिप्स है, अरुण नाम का जो लड़का है वो बहुत गरीब है और इसको उसका जो घर है वो ईटों से बना हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी वो ईटानगर हो जाएगी, अरुण नाम से आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और ईट से आपका ईटानगर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गोवा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो हम गोवा को हम गांव पढ़ेंगे। तो गांव में जो होता है ना, गांव के लोग जो है पान के शौकीन होते हैं, तो गांव में लोग पान बहुत खाते हैं। तो गांव से आपका हो जाएगा गोवा और पान से हो जाएगा आपका पणजी। तो गोवा की जो राजधानी है
वो पणजी कहलाती है। क्यों? फिर असम की राजधानी दिसपुर, तो इसको कैसे याद रखना है, तो सिंपल सी टिप्स है, दिशा नाम की जो लड़की है वो बहुत बहुत आसान काम नहीं करती है, बहुत हार्ड काम करती है, बहुत हार्ड वर्कर है वो। तो दिशा से आपका याद आ जाएगा दिसपुर, और आसान से आ जाएगा आसाम, तो आसाम की जो राजधानी है वो दिसपुर कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अगर आपको कुछ बाइक लेनी है, कुछ कार लेनी है, तो आप 36 लोगों से राय मांगते हो कि नहीं, कि हाँ इस बाइक के फीचर्स क्या है और इसका माइलेज क्या है, तो वैसे ही, तो 36 से आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, और राय से आ जाएगा आपको रायपुर। फिर अगली जो टिप्स है वो है हरियाणा पंजाब, अगला जो राज्य है वो है हरियाणा और पंजाब, और उसकी जो राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत अच्छी टिप्स है, आपको हरियाणा का एच याद रखना है और पंजाब का पी याद रखना है। तो एचपी हो जाएगा, एचपी गैस तो आपने सुना ही रहेगा। तो एक बार क्या हुआ, घर में बच्चा और उसकी मम्मी रहते हैं, और एचपी एचपी का उनका गैस रहता है, तो गैस लीकेज हो जाता है, तो बच्चा बोलता है छी कैसी गैस की बहुत गंदी बास आ रही है, तो एचपी एचपी से आपका हरियाणा पंजाब हो जाएगा, और छी छी से आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। तो हरियाणा पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ हो जाएगी। फिर अगला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। तो एक बार क्या हुआ, आप सब फ्रेंड लोग मिले, तो फिर किसी ने बोला अरे यार हम सब मिल के आज शिमला मिर्ची की सब्जी खाने जाते हैं, तो हम से हो गया हिमाचल प्रदेश और शिमला मिर्ची से हो गया शिमला, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला हो गई। फिर हम बात करते हैं कर्नाटका, कर्नाटका की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। तो अभी क्या हुआ, आपकी एक फ्रेंड है जो नाटक में काम करती है, नाटक से आपका याद आएगा कर्नाटक। अभी वो मेकअप करके आई और आपने बोला अरे तेरे कान के बगल में कुछ लगा हुआ है, तो कर्नाटक से आप हो गया आपका कर्नाटका, और बगल से आ गया बेंगलुरु, तो कर्नाटक की राजधानी जो है आपकी बेंगलुरु कहलाएगी। फिर झारखंड की जो राजधानी है वो रांची। अभी इसका भी एक बहुत अच्छी ट्रिक्स है, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, जरा सी दिल में दे जगह तू, तो आपको उसको ऐसे गाना है, जरा छी दिल में दे जगह तू, तो जरा से झारखंड आ जाएगा और छी से अपना रांची याद आ जाएगा, तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची कहलाएगी। फिर अगला जो राज्य है वो है केरला, और उसकी जो राजधानी है वो है त्रिवंतमपुरम। आपको तो अभी इसको कैसे याद करना है, आपको केरला को ना करेला पढ़ना है, करेला का आप नाम लेते ही पूरा मूड खराब हो जाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर करेले की जगह हमें आम मिल जाए तो अत्यंत आनंदम आ जाए, तो करेला से आपका केरला हो जाएगा और आनंद से त्रिवंतमपुरम हो जाएगा, तो केरला की राजधानी जो है वो त्रिवंतमपुरम हो जाएगी। फिर अगला जो राज्य है वो है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है वो इम्फाल हो गया। तो इसकी इसको कैसे याद रखना है कि एक क्या एक बार क्या होता है ना, मनीष नाम का लड़का होता है, वो बहुत तेज भाग रहा होता है, फिर अचानक गिर जाता है, फिर उसके मुंह से आवाज आती है आई एम फॉल आई एम फॉल, तो मनीष से हो गया आपका मणिपुर, एंड फॉल आई एम फॉल से हो गया आपका इम्फॉल, तो मणिपुर की जो राजधानी होगी आपकी इम्फॉल होगी। फिर मेघालय, मेघालय की राजधानी जो है वो है शिलोंग है। अभी क्या हुआ, एक बार मैं घर पे था, आप ऐसा इमेजिन करो कि एक बार मैं घर पे था और मुझे टेबल से लग गई और मैं घायल हो गया, तो घायल से आपका मेघालय आ गया और सेलक से आपका शिलोंग आ गई, तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग कहलाएगी। फिर अगला जो है मिजोरम, इसकी जो राजधानी है वो आइजोल। अभी आपने मूवीज या पिक्चर्स में देखा होगा, जब पुलिस वाले जब गुंडे को मारते हैं तो उसके मुंह से कैसे आवाज आती है आई उई, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल हो जाएगी। फिर नागालैंड, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। अभी इसको भी एक बहुत अच्छी ट्रिक्स है इसको याद करने की, कि एक बार क्या हुआ, घर पे छोटा बच्चा अकेला रहता है, तो उसने अचानक से जमीन पे सांप देख लिया, तो फिर वो अपने मम्मी को बोलता है कोई है माँ कोई है माँ, तो आपको सांप नहीं सॉरी नाग देख लिया, तो वो बोलता है मम्मी कोई है माँ कोई है माँ, तो नाग से आपका याद रखना है नागालैंड, और कोई माँ से आपको याद रखना है कोई कोई है माँ से याद रखना आपको
कोहिमा, तो नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा कहलाएगी। फिर उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, तो इसको सिंपल सी ट्रिक से जो भुवनेश्वर कुमार है ना उसके पास ऑडी गाड़ी है, जिसने अभी नई नई ऑडी गाड़ी ली है, तो भुवनेश्वर, तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर कहला जाएगी। फिर सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, गंग से आप गंगा नदी याद रखनी है। आपको पता है जब गंगा नदी में जाते हैं लोग तो क्या होता है, सिक्के डालते हैं, तो सिक्के डालते हैं, तो सिक्के से आपको सिक्किम याद रखना है और गंग से गंगा नदी से आपको गंगटोक याद रखना है। तो सिक्किम की जो राजधानी हो जाएगी वो गंगटोक हो जाएगी। फिर तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। अभी आप सबका एक ना एक फ्रेंड तो होता है जिससे मिलके आपको चैन होता है, तो आप क्या बोलोगे, तुमसे मिला तो मेरे दिल को चैन आ गया, तो तुमसे आ गया तमिलनाडु और चैन से आ गया चेन्नई, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई है। फिर अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना, तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तो एक बार क्या हुआ, आप घर पे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे और अचानक से तेल गिरा दिया, तो आपकी मम्मी ने क्या बोला, हाय ये लड़का कितना मस्तीखोर हो गया है। तो तेल से आपको तेलंगाना याद रखना है और हाय से आपको हैदराबाद याद रखना है, तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद हो जाएगी। फिर त्रिपुरा की राजधानी है वो अगरतला, तो इसको कैसे याद रखना है, आपको त्री को है ना, त्री को बोलना है थ्री बोलना है, अगर आप थ्री बार कोशिश करते तो वो ताला खुल जाता, तो थ्री से आपका त्रिपुरा हो गया और ताला से हो गया अगरतला, तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, तो आपको बंगाल से आपको याद रखना है बंगला, और अब किसी ने बंगला लिया तो उसने पूछा मुझे बंगले का मुहूर्त करना है, तो उसने बोला, जो बताने वाला था वो थोड़ा बाहर आउट ऑफ इंडिया का था, तो उसने बोला अगर आपको बंगले का मुहूर्त करना है तो आपको कोल को काटना पड़ेगा, तो बंगला से आपका आ गया वेस्ट बंगाल और कोल को काटना मतलब कोलकाता आ गया, तो वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता हो गई। फिर उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून। अभी आप इमेजिन करो, आप क्लास में बैठे हो हिंदी के लेक्चर में और सर ने आपसे एक प्रश्न पूछा कि चलो मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ, आपको वो उत्तर नहीं आता, तो आपने बोला सर आप वो प्रश्न फिर से दोहरा सकते हो क्या, तो दोहरा से आपका याद आ गया देहरादून और उत्तर से आ गया आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून हो गई। ये तो हो गए हमारे सभी स्टेट, 29 स्टेट हो गए। अभी हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं जिन पर जहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है कम चलता है, वहां पर मोस्ट ऑफ राष्ट्रपति शासन होता है, वहां पर राष्ट्रपति के जो शासन से हिसाब से वो चलते हैं। तो इसमें जो पहला राज्य है वो है दिल्ली। दिल्ली की जो राजधानी है न्यू दिल्ली, वो तो आपको याद करने की कोई ट्रिक चाहिए नहीं, दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों सेम है। फिर अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर को आपको है ना ये वर्ड थोड़ा आपको कोट और ब्लेजर के जैसा लग रहा है, तो आपको कोट ब्लेजर याद रखना है। और एक बार क्या हुआ ना, आप ऑफिस से बाहर जा रहे थे, आपने कोट ब्लेजर पहना था और आपके ऊपर अंडे गिर गया, तो क्या हुआ, किसी ने बोला अरे तेरे कोट ब्लेजर में से तो अंडे की बास आ रही है, तो अंडमान निकोबार से आपका जो राजधानी है अंडे से आपका अंडमान निकोबार हो गया और कोट ब्लेजर से पोर्ट ब्लेयर हो गया, तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर हो गई। फिर चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ है, फिर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीप, तो इसमें तो दमन दिख रहा है तो इसकी कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, दादर नगर की दमन एंड दीप है। फिर जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है। फिर लक्षद्वीप की जो है कवरत्ती है, एल को के बाद एल आता है, तो सिंपल है लक्षद्वीप को कवरत्री, ये आप याद रख सकते हो। फिर पांडुचेरी की जो राजधानी पांडुचेरी है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। और लद्दाख की जो राजधानी है वह जो है लेह है, तो आप कितनी बार बोलते हो लेह लद्दाख, तो इसमें भी कोई नई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप कुछ लगे कि हाँ मेरी ट्रिक्स कुछ यूजफुल है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो मैंने लिस्ट दी है वो अपडेटेड लिस्ट है, तो 2020 के अकॉर्डिंग जो दी है, तो आप जो है इसको अच्छे से देखना। और कुछ आपके सुझाव हो कि अगला टॉपिक ये लो, जीएस का ये टॉपिक पढ़ाओ,
तो मैं पूरा कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।